नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से लेकर आए एक और मजेदार लिफ्ट एंड कैरी स्टोरी। दोस्तों मेरा नाम है अजय और आज काफी सालों बाद मेरी बचपन की फ्रेंड नेहा मुझसे मिलने आई। नेहा यूं तो मेरी हम उम्र थी, पर बचपन में वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी और अक्सर हम जब कभी भी पेड़ों से फल तोड़ते तो वो मुझे अपने कंधों पर बैठा लेती और लगभग 14-15 साल की उम्र तक वो आसानी से मुझे इसी तरह लिफ्ट एंड कैरी कर लेती थी। पर उसके बाद उसके पापा का ट्रांसफर हो गया और वो लोग काफी दूर चले गए और आज लगभग 10 सालों बाद मैं नेहा से मिल रहा था। बातों ही बातों में मैंने नेहा को याद दिलाया कि बचपन में वो मुझे कितनी आसानी से लिफ्ट एंड कैरी कर लिया करती थी। नेहा बोली, तुम्हें लिफ्ट एंड कैरी करना कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं आज भी कर सकती हूँ। मैंने कहा, रहने दो, तब तो मैं काफी दुबला पतला हुआ करता था पर मैं अब काफी मोटा हो गया हूँ। नेहा बोली, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो आज मैं एक बार फिर तुम्हें लिफ्ट एंड कैरी करने का ट्राई करती हूँ। और ऐसा कह नेहा ने मुझे एक बार फिर अपने कंधों पर बैठा लिया जैसा कि वो पहले किया करती थी। मैंने देखा कि मेरा वजन ज्यादा होने के बावजूद उसे अब भी मुझे लिफ्ट एंड कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। मैंने कहा, नेहा तुम तो आज भी काफी स्ट्रांग हो। वो बोली, देखते जाओ। और उसके बाद उसने मुझे लिफ्ट एंड कैरी करते हुए स्क्वाट्स भी किए। थोड़ी देर बाद उसने मुझे कुछ देर के लिए क्रेडल कैरी भी किया और फिर उसने मुझे पिग्गी बैक लिफ्ट एंड कैरी भी किया। मैंने देखा कि किसी भी तरह से लिफ्ट एंड कैरी करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वो बोली, देखा आज मैं कितनी स्ट्रांग हूँ और कितनी आसानी से मैंने तुम्हें अलग अलग तरह से लिफ्ट एंड कैरी किया। मैंने कहा, हाँ यार सच में। दोस्तों ये लिफ्ट एंड कैरी स्टोरी बस यहीं तक। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं और लिफ्ट एंड कैरी से जुड़ी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।